हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपने फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस सीखे, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स किए, वहीं पर ही न्यूमेरिकल्स और आगे आज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए करंट ऑफ 2.5 एम्पियर इज पास्ड थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट फॉर 30 मिनट्स एंड डिपॉजिट 1.52 ग्राम जिंक। करें हमें 2.5 एम्पियर की करंट पास की जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में 30 मिनट्स के लिए, उससे 1.52 ग्राम जिंक मेटल डिपॉजिट हो गया। तो हमसे इक्विवेलेंट वेट पूछ रहे हैं जिंक का। तो बस ये एम्पियर करंट टाइम ये आपने फैराडे के फर्स्ट लॉ में पढ़ा। तो फैराडे के फर्स्ट लॉ में ये फार्मूला एम इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी। तो Z is equal to M upon I into T। हमको इसमें मास मालूम है 1.52 ग्राम, I एम्पियर करंट 2.5, T टाइम होता है सेकेंड में। आपको 30 मिनट्स दी हैं, उसको सेकेंड में चेंज कर लिया। तो यहाँ से आपकी Z की वैल्यू आएगी। इक्विवेलेंट वेट के बारे में आपने कल पढ़ा, वो होता है Z into 96500। बस Z की वैल्यू ये पुट कर दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए करंट ऑफ 11 एम्पीयर इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्रोमियम क्लोराइड, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट 6.2 ग्राम क्रोमियम इज डिपॉजिटेड। कह रहे हैं आपने क्रोमियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन है, उसमें 11 एम्पीयर की करंट पास की, उससे इतना क्रोमियम डिपॉजिट हो गया 6.2 ग्राम। इसमें हाउ लॉन्ग पास द करंट पास, करें कितने टाइम तक करंट पास की गई, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो इसमें भी भाई एम्पियर मास करंट, तो ये फर्स्ट लॉ का ये फार्मूला लगा एम इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी। आपसे टाइम पूछ रहे हैं, टी इज इक्वल टू एम अपॉन जेड इंटू आई। एम मास 6.2 ग्राम अपॉन Z इंटू आई की वैल्यू आपको दी हुई है 11 एम्पियर। पर आपको अगर Z पता चल जाए तब हमको इस क्वेश्चन में टाइम पता चल जाएगा। Z जैसे अभी इस क्वेश्चन में हमने पढ़ा इक्विवेलेंट वेट बराबर Z इंटू 96500। तो अगर हमको इक्विवेलेंट वेट पता चल जाएगा तब हमको Z पता चल सकता है। इक्विवेलेंट वेट पता करने के लिए ये क्रोमियम क्रोमियम क्लोराइड से बन रहा है, यहाँ क्रोमियम पर प्लस 3 चार्ज है, ऑक्सीडेशन नंबर जैसे 11 में सीखा। ये क्रोमियम आयन जब 3 इलेक्ट्रॉन गेन कराएंगे तब क्रोमियम में चेंज होंगे, यानी एक एटम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो चेंज हो रहा है। तो इक्विवेलेंट वेट ये होता है एटॉमिक वेट अपॉन जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आए अपॉन 3। एटॉमिक वेट आपको गिवन है 54, तो ये इक्विवेलेंट वेट आया 54 अपॉन 3 इज इक्वल टू 18। पर यहाँ पर ये फार्मूला यूज कर लिया हमने, ये जो हम यहाँ पढ़ा था वही फार्मूला। तो Z इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 इज इक्वल टू 18 अपॉन ये। तो ये वैल्यू हमने Z की हम यहाँ पुट कर दी, तो हमको जो है टाइम पता चली है, कैलकुलेशन कर लें कितने सेकंड ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.5 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी वाज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट ऑल द कॉपर फ्रॉम 400 मिलीलीटर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। फिर हमारे पास एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है 400 मिलीलीटर वॉल्यूम है उसका, उसमें हमें 0.5 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ी। इसमें जितना भी कॉपर है कॉपर सल्फेट में उसको डिपॉजिट करने के लिए 0.5 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ी। तो हमसे नॉर्मलिटी पूछ रहे हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी। तो जैसा कल लास्ट पर पढ़ा आपने लास्ट वीडियो में, जितने फैराडे करंट होती है उतने इक्विवेलेंट हर चीज के डिपॉजिट या रिएक्ट करते हैं, फैराडे और इक्विवेलेंट इक्वल बैठते हैं। तो 0.5 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ी, इसका मतलब हुआ जो हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था वो भी 0.5 इक्विवेलेंट था, 0.5 इक्विवेलेंट कॉपर सल्फेट था। हमें कॉपर सल्फेट का वॉल्यूम गिवन है, नॉर्मलिटी पूछ रहा है। 11th क्लास में पढ़ाया आपको इक्विवेलेंट बराबर होते हैं वॉल्यूम इन लीटर इनटू नॉर्मलिटी। वॉल्यूम आपको 400 मिलीलीटर को 1000 से डिवाइड किया लीटर बन गए,
नॉर्मलिटी यही आपसे रिक्वायर्ड है, मान लिया नॉर्मलिटी एंड डैश है, बस अभी इक्विवेलेंट 0.5 जितने फराडे उतने इक्विवेलेंट 0.5 इज इक्वल टू, ये पुट कर दिया, रिकैलकुलेशन कर ली और ये नॉर्मलिटी आपके आ गई 1.25 एम। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ गैसेस इन लीटर्स विल बी लिबरेटेड एट एनटीपी ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन यूजिंग 0.5 फराडे इलेक्ट्रिसिटी। कहते हैं H2SO4 सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, उसमें जो भी गैस बनेगी उन गैस का वॉल्यूम कितना होगा एनटीपी पर ये कैलकुलेट करके बताना है। तो कह रहे हैं 0.5 फराडे इलेक्ट्रिसिटी पास की गई, जैसा अभी सीख चुके जितने फराडे इलेक्ट्रिसिटी हर चीज जो भी बन रही है जो रिएक्ट कर रही है उतने ही इक्विवेलेंट्स, चाहे सेम सेल हो अलग अलग सेल हो, अगर 0.5 फराडे इलेक्ट्रिसिटी यूज की तो हर चीज 0.5 इक्विवेलेंट ही बनेगी। अब हमको ये मालूम होना चाहिए कि H2SO4 के इलेक्ट्रोलिसिस से होता क्या है, वो आप एक दो दिन पहले वीडियो में सीख चुके इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4, वो सब बातों को आपको याद रखना है। H2SO4 के इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन गैस बनती है कैथोड पर और ऑक्सीजन गैस एनोड पर लिबरेट होती है। 0.5 फराडे इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई तो हाइड्रोजन भी हमारी 0.5 इक्विवेलेंट बनेगी और ऑक्सीजन भी 0.5 इक्विवेलेंट बनेगी। और अब इनको हमको वॉल्यूम में चेंज करना है, उसके लिए आपको ये याद रखना है जब भी जरूरत पड़े जब भी कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में, 1 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन 11.2 लीटर बैठता है एनटीपी, इसी तरह 1 इक्विवेलेंट ऑक्सीजन ये 5.6 लीटर बैठता है एनटीपी, ऐसे 1 इक्विवेलेंट क्लोरीन के भी जरूरत पड़ जाए, इस क्वेश्चन में नहीं है जरूरत कहीं और आगे किसी के क्वेश्चन में क्लोरीन गैस बन रही हो, 1 इक्विवेलेंट क्लोरीन जो है वो 11.2 लीटर बैठती है एट एनटीपी। तो बस यहां से हमने वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया, हाइड्रोजन 0.5 इक्विवेलेंट तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 11.2 इज इक्वल टू 5.6 लीटर, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इसके भी 0.5 इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय 5.6 2.8 लीटर, इन दोनों को ऐड कर लिया हमने, ये टोटल वॉल्यूम आ गया गैसेस का 8.4 लीटर, ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सर्टेन करंट लिबरेट्स 0.5 ग्राम हाइड्रोजन इन 2 आवर्स। करंट हम करंट पास कर रहे हैं किसी भी सोल्यूशन में तो उससे 0.5 ग्राम हाइड्रोजन बन रही है। करंट कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से कॉपर कितना बनेगा उतने ही टाइम में उतने ही करंट से, माने सेम करंट पास की जा रही है, सेम करंट पास करने से हाइड्रोजन बन रहा है 0.5 ग्राम तो कॉपर कितना बनेगा ये पूछ रहा है। इसमें फराडे का सेकंड लॉ जो आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि सेम करंट पास करने से चाहे सेम सेल हो चाहे अलग अलग सेल इक्वल इक्विवेलेंट डिपॉजिट होते हैं, अगर सेम करंट पास की जा रही है तब इक्वल इक्विवेलेंट डिपॉजिट होते हैं, तो जितने इक्विवेलेंट हाइड्रोजन के डिपॉजिट होंगे उतने इक्विवेलेंट कॉपर के डिपॉजिट होंगे। इक्विवेलेंट कैसे निकलते हैं जैसा कि लास्ट वीडियो में पढ़ चुके, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट उससे इक्विवेलेंट निकलते हैं, तो इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन हो गया हमारे वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन, और इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर हो गया वेट ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। वेट ऑफ हाइड्रोजन ये हमको गिवन है 0.5, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट 1 होता है, वेट ऑफ कॉपर यही हमसे रिक्वायर्ड है, पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर आप पता चल जाए जो अभी लास्ट क्वेश्चन में सीखा था और 2 क्वेश्चन पहले, उसी तरह से कॉपर कॉपर सल्फेट से बन रहा है, कॉपर का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, ये कॉपर +2 से कॉपर बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ही गेन हो रहा है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर हो गया हमारा एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर अपॉन 2, एटॉमिक वेट हमें कॉपर का ये गिवन है 63.6 अपॉन 2, तो ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर हमारा आ गया 31.8। तो ये सारी वैल्यूज अब हम इस फार्मूले में पुट करें, वेट ऑफ हाइड्रोजन हमको दिया 0.5 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन मैंने बताया आपको 1 होता है,
वेट ऑफ कॉपर ये आपसे रिक्वायर्ड है और इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर हमने कैलकुलेट किया 31.8 तो ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ये वेट ऑफ कॉपर आ गया 15.9 ग्राम। तो ये आपका इलेक्ट्रोलिसिस का पार्ट जो है वो इस इलेक्ट्रोलिसिस के इलेक्ट्रोलिसिस जो लेसन पढ़ रहे हैं आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसमें कंप्लीट हुआ और लगातार आपको पढ़ाई कराई जा रही है। आप घर जाकर उम्मीद है इसको रोज पढ़ रहे होंगे देख रहे होंगे सुनने के बाद उसको मनन करिए ध्यान से पढ़िए सुनिए और रिवीजन करते रहिए तब निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। ओके थैंक्स।